हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को उर्दू की तीसरी जमात सबक वन का सवालात और जवाबात पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये हम्द को अच्छे से पढ़ा था और समझा था और इसके अल्फाज के माना भी हमने पढ़ा था। आज हम सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। सवाल पहला, हमको पालने वाला कौन है? हमको पालने वाला अल्लाह है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमको सबको किसने कौन पालता है? अल्लाह पालते हैं, तो हमको पालने वाला अल्लाह है। सवाल दूसरा, खुदा ने हमें क्या क्या नेमतें अता की हैं? बच्चों, खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं। तो जवाब भी हम लिखेंगे, जवाब, खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं। इतनी सारी अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं कि हम जितनी भी तारीफ़ करेंगे अल्लाह से तो कम है। तो यहाँ हम जवाब में लिख देंगे, खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं। सवाल तीन, शायर ने आखिरी शायर में खुदा से क्या चीज़ मांगी है? जवाब, शायर ने आखिरी शेर में खुदा से हर गम दूर हो जाए ये दुआ मांगी है कि हर गम दूर हो जाए, हर परेशानी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ है खाली जगह भरे, खाली जगह भरे। पहला दामने उम्मीद, पहला दामने उम्मीद, यहाँ खाली जगह है, इसमें भरना है, तो यहाँ होगा दामने उम्मीद, पल में भर दिया, पल में भर दिया। जिसको भी चाहा, खाली जगह है, यहाँ भरना है, तो यहाँ भरे हैं, तवंगेर कर दिया। जिसको भी चाहा तवंगेर कर दिया। कोई तेरा हमसर वसानी नहीं, सब है फानी एक तू फानी नहीं, सब है फानी एक तू फानी नहीं। बच्चों, यहाँ लिखा है बंदगा ज़ार वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। यहाँ वाहिद अल्फाज दिया हुआ है, इसको हमें जमा में तब्दील करना है। अजमत, अजमत का हो जाएगा अजमते, अजमते। तारीफ, तारीफ़े, तारीफ, तारीफ़े। खुशी, खुशियाँ, खुशी, खुशियाँ। जवाब, जवाबात, जवाब, जवाबात। दुआ, दुआएं, दुआ, दुआएं। इसको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना और याद कर लेना। खुदा हाफिज़।